नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज हमारे साथ में है टाइगून टॉप लाइन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। प्राइसिंग की बात करें तो 17,87,900 रुपये इस गाड़ी के शोरूम प्राइस रहने वाली है। आज इस गाड़ी का हम पूरा डिटेल रिव्यू कवर करने वाले हैं। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या स्पेक्स है, पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये गाड़ी कौन सा इंजन प्रोवाइड कराती है, कौन सा ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है। सो स्पेसिफिक टाइगून या फॉक्स वैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्स वैगन एनसीआर ईस्ट गाजियाबाद। तो देखो, सबसे पहला जो लोगों के माइंड में डाउट होता है ना, बहुत सारे लोग इस गाड़ी को कम्पीट करने लग जाते हैं सब 4 मीटर एसयूवी से, लाइक टाटा नेक्सॉन, विटारा ब्रीजा, वेन्यू एंड सोनेट जैसी गाड़ियों से इस गाड़ी को कम्पीट करने लग जाते हैं। तो देखो, आप लोगों का मैं ये डाउट क्लियर कर दूं, ये गाड़ी आती है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में। जी हाँ, इस सेगमेंट में आपको क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, इसी के साथ साथ होंडा एलिवेट, इसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी की जो गाड़ी आती है स्कोडा कुशाक, एंड इसी के साथ साथ एलिवेट के साथ साथ आपको टाटा कर्व एंड एस्टर जैसी गाड़ियां आपको इस गाड़ी से कम्पीट करती हुई आपको मिल जाती हैं। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सेगमेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं फॉक्स वैगन की कुछ यूएसपीज बता देता हूँ जो इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, जो इस गाड़ियों को और गाड़ियों से अलग बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी को जो जाना जाता है या फॉक्स वैगन जो काम करता है, वो काम करता है अपनी तीन चीज़ों पे। वो क्या क्या है? बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड फन टू ड्राइव। जी हाँ, इन तीन चीज़ों में फॉक्स वैगन को बीट करना अनमैच्ड है। सो अगर आप लेना चाहते हैं ड्राइवर्स कार तो टाइगून में भी आपकी पहली पसंद हो सकती है। एंड इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा, गाड़ियाँ 5 लाख किलो चाहे 50 लाख किलो, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो, क्योंकि 15 से 20 लाख रुपए आप खर्च करना चाह रहे हो ना, तो एटलीस्ट माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड टेस्ट ड्राइव इज़ ओनली द पार्ट जिससे आपके बहुत सारे डाउट, इवन 90% तक डाउट क्लियर हो जाते हैं कि आपको इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए या नहीं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की की। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऐसी कुछ की देखने के लिए मिल जाती है, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन। एंड जो ये बूट ओपन है ना, सिर्फ लॉक जो होता है ना उसको अनलॉक करने के लिए है, अदरवाइज वो आपको मैन्युअली ही ओपन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बोथ आपको यहाँ पे फ्लिप कीज देखने के लिए मिल जाती है जो कि ऐसे रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बाई प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, विद DRL के साथ डे टाइम रनिंग लाइट, विद टर्न इंडिकेटर। सिंगल प्रोजेक्टर में हाई बीम एंड लो बीम देखने के लिए मिल जाती है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये क्रोम विंग देखने के लिए मिल जाती है, पियानो फिनिश का टेक्सचर थोड़ा सा नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, फॉक्स वैगन का 2D लोगो, क्रोम फिनिश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग की। तो देखो, साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसे रहने वाली है। और इस गाड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इस गाड़ी की लेंथ 4221 mm गाड़ी की लेंथ रहती है। एंड इसी के साथ साथ जो व्हील बेस है 2651 mm का बेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड इस व्हील बेस का बेसिक जो खासियत रहती है ना, वो रहती है आपकी गाड़ी के कैबिन स्पेस। मैं कह रहा हूँ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस टाइगून एंड एस्कोडा कुशाक ऑफर करती हैं, जो कि है 2651 mm। एंड इस चीज़ में ना, अगर आप रियर वाली सीट में बैठ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में व्हील बेस का क्या बेनिफिट होता है। इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा बेहतर नी रूम एंड लेग रूम कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराती। इसी के साथ साथ बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लैक मैट फिनिश में आपको क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कि फ्रंट से लेकर रियर तक जाती है। 17 इंचिस के इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो 205/55 R17 की इसमें आपको टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो डिस्क हैं ये आते हैं ब्रेक डिस्क वाइपिंग के साथ। बॉडी कलर यहाँ पे आपको ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं, विद टर्न इंडिकेटर जो कि रहने वाली है LED में। एंड इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल जाती है, क्रोम का पार्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेम ऐसेज यहाँ पे भी आपको पूरी तरीके से क्रोम देखने के लिए मिल जाती है। ये जो रूफ रेल है ये है फंक्शनल विद 50 kg लोड कैपेसिटी के साथ। सनरूफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ। रियर में आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। इसी के साथ साथ रियर की अगर मैं बात करूँ तो टाइगून इज द कार जिसने कनेक्टेड टेल लैंप का चलन स्टार्ट किया था। टाइगून इज द फर्स्ट कार जो कनेक्टेड टेल लैंप के साथ ऑफर की गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसमें आपको टाइगून की बैजिंग, TSI की बैजिंग, 3 पार्किंग सेंसर। रियर में यहाँ पे आपको फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाता है, क्रोम बेल्ट लाइन मिल जाती है, और इसी के साथ साथ स्किड प्लेट। बाकी इसका बूट ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, दिस इज एन अपडेटेड वेरियंट। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखो,
385 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। ट्रंक लैंप देखने के लिए मिल जाता है, फर्स्ट एड किट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से, हैजार्ड रिफ्लेक्टर, एंड ये है टूल किट। अक्सर आपने ये टूल किट ना केवल 1.5 में देखी होगी, क्यों, उसमें आपको मिला करता था स्टेपनी सबवूफर। बट अगर मैं एट प्रेजेंट 3 अक्टूबर के बाद की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1 लीटर के इंजन के साथ भी आपको स्टेपनी सबवूफर देखने के लिए मिल जाता है। एंड स्टेपनी जो स्पेयर व्हील है, इसकी मैं टायर प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 205/55 R16 की इसमें आपको टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। इस बूट को बंद करते हैं, रियर की सीट आपकी 60/40 स्प्लिट सीट के साथ आ जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्सल ट्रे, ग्रैब हैंडल, अगर आपकी हाइट कम है तो आप इजीली यहाँ से पकड़ के इसको कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाता है। बाकी फ्यूल टैंक की बात करें तो 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी का डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन टेक्सचर में आपको डोर देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर में, सिल्वर फिनिश के साथ डोर हैंडल, लॉक अनलॉक के बटन, ये आपको पियानो कार्बन स्टील ग्रे वाली फील यहाँ पे आपको देने वाला है। चारों पावर विंडो, ड्राइविंग साइड वन टच अप एंड डाउन के साथ, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल के बटन, चारों ही डोर्स में इसमें आपको बॉटल होल्डर्स, चारों ही डोर्स में इसमें आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो फ्रंट के ट्विटर्स हैं वो आपको यहाँ पे ए पिलर में देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट जो इस गाड़ी में आपको फीचर देखने के लिए मिल जाता है वो है, इस गाड़ी में फ्रंट की बोथ सीट रहती हैं 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 6-way इलेक्ट्रिक सीट एडजस्ट रहने वाली है। बाकी गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड दिखाते हैं इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में क्या कुछ खास मिलता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी कोई फॉक्सवैगन की कार ले रहे हो और आपने ये मिस किया, जो इसकी थ्रेड की जो साउंड आती है ना डोर जैसे बंद करते हैं, तो ये आपको जल्दी से लगभग सभी गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। लैदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विथ फ्लैट बॉटम के साथ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ, यहाँ पे आपको लाइट्स के फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प, पार्किंग लाइट, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर फॉग लैम्प, ये ऐसे कुछ रहने वाला है। यहाँ पे आपको लाइट लेबलर, गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ हमने गाड़ी कर दी है स्टार्ट। और यहाँ हमारे को देखने के लिए मिल जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 8 इंच का रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 व्यूज भी देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे, जो यहाँ से कंट्रोल होते हैं वॉइस कमांड, बाकी ये आपको ये कंट्रोल करने के लिए मिल जाती है, डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए, इसी के साथ साथ चैनल को चेंज करने के लिए या सॉन्ग चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ये बटन मिलता है, बटन विदाउट फंक्शन जो यहाँ पे मेंशन भी होता है, 10.1 इंच का म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, फ्रंट बोथ वेंटिलेटेड सीट्स के बटन, एसी वेंट्स, हजार्ड लैंप का बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो एसी जो कि सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल्स के साथ आता है, वायरलेस चार्जर, सी टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स, इसी के साथ साथ इसमें मिल जाता है आपको टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। जी हाँ, टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन इस ट्रांसमिशन को माना जाता है, 6 स्पीड रहने वाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट एंड मैनुअल का भी फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। रिवर्स कैमरा एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो देखो ऐसा कुछ इसमें आपको रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है बट ये थोड़ा सा और बड़ा होता है जैसे हिसाब से स्क्रीन का साइज़ है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी इसी के साथ साथ मैनुअल भी आप चला सकते हैं, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, माइनस एंड प्लस, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, फोन रखने के लिए स्पेस, हैंड ब्रेक मिल जाता है जो कि है मैनुअल, 2 ग्लास होल्डर, आर्मरेस्ट मिल जाता है लेदराइट फिनिश के साथ जो कि स्लाइडिंग फंक्शन विद स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि है कूल्ड फंक्शन के साथ। ड्राइविंग साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है सनशेड, ड्राइविंग साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, IRVM रहने वाला है ऑटो डिमिंग के साथ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप्स LED के साथ, सनरूफ की बात करें तो सनरूफ रहती है इसकी वन टच ओपन कुछ इस तरीके से एंड वन टच क्लोज विद एंटी पिंच सेफ्टी के साथ, तो ऐसी कुछ रहने वाली है। तो इसको कर देते हैं हम बंद। बाकी कर्टेन की बात करें तो कर्टेन होता है इसका मैनुअली ही बंद कुछ इस तरीके से, को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर। बाकी बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3 सेम एसिस इधर की साइड, 4 यहाँ पे आपको मिल जाता है, 5th कुछ इस तरीके से सेम एसिस जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक बूस्ट और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेता हूँ एंड दिखाता हूँ ये गाड़ी
कैसा स्पेस ऑफर करते हैं। तो देखो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट है, नी रूम मैंने काफी अच्छा छोड़ा हुआ है, अंडर साइज सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी काफी अच्छा मुझे देखने के लिए मिल जाता है। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं गाड़ी के रियर में एंड दिखाते हैं रियर में ये गाड़ी कैसा स्पेस ऑफर करती है। तो आइए चलते हैं गाड़ी के रियर में। तो जैसा मैंने आपको बताया मेरी हाइट 6 फीट है, उसके बाद भी यहाँ पे मेरे को नी रूम काफी अच्छा मिल रहा है 6 फीट होने के बाद भी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था, जो व्हील बेस है ना इस गाड़ी का 2651 mm, तो ऐसा नी रूम आपको शायद ही इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाए। अंडर साइज सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी रियर में यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, सी टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स। इसी के साथ साथ तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल, मिडल वाले पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ग्लास होल्डर्स के साथ। बाकी बात करें 3 जने बैठने की, तो इस गाड़ी में आप पीछे 2 एडल्ट 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंटली इजीली बैठा सकते हैं। उसके पीछे रीजन, क्योंकि फ्रॉम द बेस मॉडल टाइगून गिव्स यू बकेट सीट प्रॉपर तरीके से फ्रॉम द बेस मॉडल। एंड इसी के साथ साथ इस सीट और मेरी सीट पे जो है यहाँ पे आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट्स के एंकर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में कि इस गाड़ी में आपको कौन सा इंजन ऑफर किया जाता है। तो देखो यहाँ से कर देते हैं इग्निशन बंद एंड ये कर लेते हैं हम इस गाड़ी का बोनट ओपन। तो देखो जैसा ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है एडल्ट के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में, तो यहाँ पे ना आपको एक्चुअल में फील होता है वेट 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर TSI टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है टर्बो सर्टिफाइड इंजेक्शन के साथ। पावर स्पेक्स की बात करें तो 115 PS और 178 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको जनरेट करके देती है। इसी के साथ साथ मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है जो कि टॉर्क कन्वर्टर रहता है। इसी के साथ साथ जो 178 Nm का टॉर्क है ये आपको मिलना चालू हो जाता है 1750 RPM से, क्योंकि इसका जो टर्बो किक है वो 1750 RPM से हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ माइलेज की बात करें तो लोकल में 12 से 15 हाईवे में 18 से 20 ये गाड़ी आपको इजीली माइलेज प्रोवाइड कराती है। बाकी डिपेंड करता है रोड सिचुएशन एंड ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर। बाकी इंजन इतना ज़्यादा साइलेंट है कि अगर आप मैनुअल गेयरबॉक्स भी चला रहे हैं ना, मैनुअल गियर के साथ भी चला रहे हैं गाड़ी, तो आपको गियर लीवर पे वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगी। यहाँ पे आपको बोनेट में किसी भी तरीके कोई इंसुलेशन का पार्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के वारंटी ऑफर्स के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाती है 4 साल 1 लाख किलोमीटर की एज अ स्टैंडर्ड वारंटी, जिसे आप 2 साल और 50,000 किलोमीटर से वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं, जो टोटल हो जाती है आपकी 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर। एंड इफ आपकी गाड़ी 6 साल में 1,20,000 किलोमीटर या उससे कम चली है तो आप उसको 7th ईयर के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, किलोमीटर्स आपके 1.5 लाख ही रहते हैं, बाकी आपको उसके लिए 8 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ 3 साल की पेंट वारंटी, 6 साल की एंटी परफोरेशन की वारंटी इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेसिफिक टाइगून या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR गाजियाबाद। तो मिलते हैं हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के